हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कायमगंज जिला फरक्काबाद। तो अभी मैं पहुँचा हूँ कायमगंज, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है पुलिया। यहाँ पर जो है बस स्टैंड का पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, दिखा सकते हैं। और ये कायमगंज ग्रेटर, जहाँ पर पीछे दिखाइएगा इसको एक बार, जहाँ से आप एटा और दिल्ली के लिए जाते हैं, और एक तरफ जाएंगे तो सीधा आप फरक्काबाद पहुँचेंगे। सामने वाले के रोड की बात करेंगे, इधर हम चलेंगे तो कायमगंज शहर में चले जाएंगे। तो इधर ही हम देखेंगे लिखा हुआ है आई लव यू कायमगंज, इसको देख सकते हैं आई लव यू कायमगंज। तो यही करते हैं वीडियो को शुरुआत। आप बने रहिए हमारे साथ और फुल वीडियो देखिएगा। जब हम दोस्तों फरक्काबाद से आते हैं अंदर कायमगंज के लिए जाएंगे, तो ये नगर पालिका कार्यालय स्थित मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं ये है कायमगंज का नगर पालिका कार्यालय परिसर। और यहीं से हम बढ़ते हैं अंदर शहर के लिए। और ये काफ़ी व्यस्त रोड है, और यहाँ पर जो है आपको फल वगैरह मिलेंगे। और सामने मिलेगा डाकघर, कायमगंज का ये पोस्ट ऑफिस है ये सामने। और ये है कस्बा पुलिस चौकी कायमगंज सामने। और इसी रोड से जब हम आते हैं तो सामने मिलता है हमको तहसील भवन, क्योंकि अभी सुबह सुबह का समय है और बंद है, देख सकते हैं। ये है सामने, देखते ये है तहसील भवन कायमगंज जनपद फरक्काबाद। और इसके अंदर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। और यहीं पर बैठते हैं हमारे जो वकील लोग होते हैं, वो यहीं पर बैठते हैं। ये सामने देख सकते हैं वकील लोगों के ये बस्ते हैं, चारों तरफ से अगर देखेंगे हम इधर, ये यहीं पर जो हमारे वकील होते हैं वो बैठते हैं। ये हमारा न्यायालय सिविल जज कायमगंज फरक्काबाद परिसर बना हुआ है। और ये है शायद कायमगंज का मीनार, यानी मस्जिद है शायद, हमको मस्जिद ही लगता है। ये सामने देखते हैं ये मस्जिद है, अंदर जाने का ये गेट है इसका। और इसके आगे जब चलेंगे, और बहुत ही पतली पतली गलियां हैं यहाँ पर, पतली गलियां हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जाम लग रहा है इस तरीके से। और ये जो है सुबह अभी 7:30 बजे का समय है, उसमें इस प्रकार से यहाँ पर जाम लगता है। छोटी छोटी गलियों में जहाँ पर बाइकें आना चाहिए, वहाँ पर फोर व्हीलर और बड़े बड़े वाहन आते हैं। अभी हम जिस रोड पर हैं इसको तहसील रोड कहा जाता है, क्योंकि इसी रोड पर तहसील भवन है। और सीधा का तहसील भवन की तरफ जाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं फरक्काबाद रोड पर। वहीं से हम फरक्काबाद भी जा सकते हैं, और वहीं से हम एटा अलीगढ़ के लिए भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से फरक्काबाद की जो दूरी है लगभग 40 किलोमीटर है। अगर हम एटा जाना चाहते हैं तो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है। वहीं पर हम अगर जो दिल्ली के लिए बात करेंगे तो लगभग 280 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो आइएगा चलते हैं, फिलहाल हम तहसील रोड से होते हुए कायमगंज शहर के अंदर। अभी हम जहाँ पर हैं इसको श्याम गेट कहते हैं। अब हम श्याम गेट से आगे बढ़ते हुए मैन बाजार की ओर बढ़ रहे हैं, और इस रोड के दोनों तरफ कतारबद्ध आपको कमर्शियल बिल्डिंग देखने को मिलती है, कमर्शियल मार्केट देखने को मिलती है। दोनों तरफ आपको मार्केट यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ पर, और बड़ी मार्केट है। यदि आप कायमगंज के आसपास के रहने वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि कायमगंज एक बड़ी मार्केट है। ये फरक्काबाद जिले में आबादी की बात करेंगे, फरक्काबाद के बाद ये दूसरा ऐसा शहर है तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर में लगभग 92,000 से ज़्यादा की आबादी आज की डेट में निवास करती है। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को और मिलने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये गल्ला मंडी चौराहा कहा जाता है, सामने देख सकते हैं ये गल्ला मंडी चौराहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहीं से गल्ला मंडी चौराहा से अगर जो हम जाएंगे इस दर की ओर, तो ये है ट्रांसपोर्ट के लिए आएंगे, ट्रांसपोर्ट चौराहा आगे पड़ता है। तो अभी हम चलेंगे ट्रांसपोर्ट चौराहा की ओर। और ये जो एक शहर का मुख्य केंद्र है जो कि गल्ला मंडी कहा जाता है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ठेले वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और पुरानी बिल्डिंग भी एक देखने को मिलेगी सामने, देख सकते हैं। और इधर भी देखेंगे यहाँ पर फल और खाने पीने का भी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो सामने है ट्रांसपोर्ट नगर, तो आइएगा चलते हैं ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ। जैसे आप जाएंगे जटवारा रोड पर तो आपको मीना मैरिज होम भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक शहर का बहुत ही फेमस मीना मैरिज होम है। अभी हम आ गए टीपी नगर है, और यहाँ पर एक्सिस बैंक भी बना हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक भी आपको यहाँ पर शाखा देखने को मिल जाती है कायमगंज। और पीछे एक्सिस बैंक का शाखा था। और ये सामने ट्रैफिक जो है यहाँ का जो है सुबह सुबह ही काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है यार एकदम से। और किसी भी ट्रैफिक का यहाँ पर भी ये ट्रैफिक हमको फिर देखने को मिल गया है।
यही चीज को कहते हैं सामने वाला जो है ये ट्रांसपोर्ट चौराहा कहा जाता है, क्योंकि तो शहर का एक मुख्य चौराहा है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट चौराहा, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट चौराहा। ट्रांसपोर्ट चौराहा से जैसे हम जाएंगे उत्तर की ओर तो हमको मिलेगा रेलवे रोड, और रेलवे रोड पर आगे आके ही मिल जाएगा हमको रेलवे स्टेशन। तो चलिएगा चलते हैं रेलवे स्टेशन की ओर, और ट्रांसपोर्ट चौराहा से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे, आगे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे ही हमको मिलेगी शहर की कोतवाली, ये कोतवाली कायमगंज जनपद फरकाबाद, ये बना हुआ है मारुति का वर्कशॉप। दोस्तों आपको रेलवे रोड पर भी एक अच्छी खासी मार्केट देखने को मिल जाती है, रोड के दोनों तरफ यहाँ पर भी मार्केट देखने को मिलती है। तो गाइस आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं तो ये कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखा जाता है, इससे क्या होता है हमको एक मोटिवेशन मिलता है और एक नई ऊर्जा मिलती है वीडियो को बनाने के लिए, कि हमारा वीडियो जितनी ज़्यादा दूर देखा जाता है ज़्यादा शेयर किया जाता है तो उससे एक नई ऊर्जा भी हमको मिलती है और हम आपके लिए एक नई ताकत लेके आते हैं फिर से वीडियो को बनाने के लिए। और दोस्तों एक खास बात है, इस वीडियो को हमारे साथ देने वाले हैं राशिद भाई, जिनका एक यूट्यूब चैनल है रियल मीडिया के नाम से, उनको भी आप फॉलो करिए और देखिएगा, क्योंकि इस समय हमारे साथ गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं सुरक्षा के साथ एकदम से। ये है कायमगंज का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फरकाबाद और कासगंज को जोड़ने वाली, इधर जाएंगे तो आप सीधा फरकाबाद चले जाएंगे, ट्रेन जाती है, और इसके ठीक उल्टे पश्चिम की ओर जाती है तो हम सीधा कासगंज रेलवे स्टेशन के चले जाते हैं। इसके इस तरफ जाएंगे तो ये वाला जो सामने वाला आपको रोड दिख रहा है, ये रोड जो है एटा और दिल्ली के लिए सीधा जाता है। ये कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी का है, यहाँ पर जो है इस वाले क्रॉसिंग के पास जब आएंगे दोस्तों तो आपको लगभग मुझे यात्रा अधिकारी ही मिलेंगे, ये कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी का क्षेत्राधिकारी यानी सी ओ साहब का भी कार्यालय यहीं पर है। लक्ष्मी यदुनंदन महाविद्यालय कायमगंज फरकाबाद उत्तर प्रदेश, ये 1971 का स्कूल बना हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं यदि आप कायमगंज या कायमगंज के आसपास के हैं तो इस स्कूल से आपने शिक्षा ग्रहण की है या नहीं। आप जैसे ही दोस्त आएंगे रेलवे रोड पर तो आपको शिवाजी महाराज की मूर्ति मिलेगी। ये शहर का मेन रोड है, इसको मुख्य मार्ग कहा जाता है। अगर आप कायमगंज आते हैं, कायमगंज का एक कोई मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग है, तो यही शिवाजी मूर्ति वाला रोड जो है इसको हम रेलवे रोड कहते हैं। तो आइएगा चलते हैं इस रेलवे रोड पर भी चलेंगे। लाल पैथोलॉजी भी यहाँ पर है भाई, देखने को मिलता है। ये यहाँ से चलेंगे आगे हम बढ़ते हुए। आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको कायमगंज का ये वीडियो कैसा लगा है। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब कमेंट करके बताते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेन बाज़ार है ये, अभी हम मेन बाज़ार में आ गए, यहाँ पर देखिएगा प्रत्येक चौराहा मिला आपको। और इधर चलेंगे, ये है पंछी पीठा आगरा, अभी सुबह सुबह मार्केट खुलने लगी है, और ये बड़ी मार्केट है, मेन बाज़ार है यहाँ पर जो पूरे कायमगंज का है। यहाँ पर आपको मेन मार्केट देखने को मिलेगी, हर प्रकार की दुकानें देखने को मिल जाएगी, चाहे आप गारमेंट हो, सोने चांदी की दुकानें हो, बड़े बड़े शोरूम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस मौके पर अगर जो आप 10 बजे के बाद इस मार्केट से निकलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद 10 बजे के बाद निकलने में काफ़ी दिक्कत होती होगी भैया, यहाँ पर भीड़ भाड़ रहती होगी एकदम से ज़बरदस्त, क्योंकि एकदम से छोटी छोटी गलियाँ सगरी गलियाँ हैं। और दोस्तों यहाँ पर जहाँ पर भी आप जाइएगा तो आपको ई रिक्शा आपको लाइन लगा के काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक कोट पेंट की दुकान, और बंदर जो है आपको हर जगह मिलेंगे, बंदर जो है हर जगह अपना शोर करते हुए मिल ही जाते हैं। लाल चंद फूलगंज सराफा, ये देखिएगा भाई सच में एक बड़ी मार्केट है यार। तो कौन कौन लोग इस मार्केट में भाई मार्केट करने के लिए आते हैं, बजरिया, इसको बजरिया भी कहते हैं, हाँ लिखा है पीछे बजरिया, इसको बजरिया भी कहते हैं। तो देखिए भाई, और यहाँ पर चीकू भी बिकते हैं, चीकू बहुत बिक रहे यार, राहुल बीज भंडार,
पूरे शहर में कायम है, जिसकी अगर हम बात करेंगे तो आपको ज़्यादातर मार्केट देखने को, अच्छी मार्केट देखने को मिलती है। और ये फर्रुखाबाद ज़िले में फर्रुखाबाद के बाद सबसे बड़ी मार्केट है, आबादी की दृष्टि से भी ये फर्रुखाबाद के बाद ये नंबर आता है, सबसे बड़ी मार्केट है और आबादी में भी ये फर्रुखाबाद के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र है और मार्केट में भी फर्रुखाबाद के बाद ये सबसे बड़ा मार्केट है कायमगंज का। ये है राजकीय महिला चिकित्सालय, जिसका बाहरी दृश्य कुछ इस प्रकार से है। ये इसका मेन गेट है और सामने एम्बुलेंस खड़ी है, यहीं से हम जाते हैं अंदर। ये महिला हॉस्पिटल है कायमगंज का, इसके बराबर पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक तरफ जो है महिला है और दूसरी तरफ जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यानी कि दोनों हॉस्पिटल इसी परिसर के अंदर हैं। ये कायमगंज का बस स्टैंड है, यहाँ पर इसकी हालत कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इधर से बस आती है, उधर से जाती है, उधर से आती है, इधर जाती है। गंदगी का भी है भंडार है यहाँ पर, भंडार ही हम तो कहेंगे कि यहाँ पर गंदगी है, कुछ भी नहीं है ना, पूछताछ केंद्र में कुछ कोई बैठा हुआ है। और ये देखिएगा लिखा हुआ है बस स्टैंड, लेकिन बस स्टैंड के नाम पर यहाँ पर दोस्त कुछ भी नहीं है। फर्रुखाबाद रोड पर स्थित है कायमगंज के अंदर। चलिएगा दोस्त, इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।